नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं संवैधानिक विकास में सन 1919 तक यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम तक बात कर लिए थे। आज हम संवैधानिक विकास में बात करेंगे 1919 के बाद एक प्रमुख अधिनियम जो आया, जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम। अगर भारतीय संविधान की नींव की बात की जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का महत्वपूर्ण रोल है। इसके बाद सन आएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो कि जिसकी लगभग 50% चीज़ें अपने संविधान में पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट है। तो आज हम बात करेंगे 1919 भारत सरकार अधिनियम को, एक सिंगल वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुका है किस प्रकार से सांप्रदायिक तौर पे 1919 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिम वोटरों को अलग कर दिया गया है हिंदू और अलग धर्म से। तो हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, 1773 से अपनी कहानी शुरू हुई थी, सन 1773, उसके बाद जाके पहुंची थी 1858 से अब कहानी पहुंची 1909 तक। आज जो हम बात करेंगे 1919 का भारत सरकार अधिनियम की आज हम बात करेंगे। तो भारत सरकार अधिनियम, उस समय क्या आज़ादी का माहौल था, ठीक है, मतलब गरम दल नरम दल अलग हो चुके हैं, ये इतिहास का पोर्शन है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आप मतलब ये मत सोचिएगा हम इतिहास पढ़ रहे हैं, अभी हम हमारा जो मेन टॉपिक है वो है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के तहत हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। विकास मेन हेडिंग क्या है, संवैधानिक विकास, उसके अंदर सब हेडिंग क्या है, भारत सरकार अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इस एक्ट को जिस तरह पिछले वाले एक्ट को मार्ले मिंटो बोला गया, इस बार इस एक्ट को क्या बोला गया, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आ जाए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 इस वक्त भारत सरकार अधिनियम 1919 के वक्त कौन था सचिव और कौन था वायसराय, तो आप सीधे बता देंगे ये व्यक्ति कौन था, सचिव, और जेम्स फोर्ड जो हुआ करता था वायसराय। तो इस वाले भारत सरकार अधिनियम का एक और नाम क्या हो जाएगा, मॉन्टेग जेम्स फोर्ड सुधार। क्या ये मतलब जो भी व्यक्ति थे वायसराय और सचिव लोग हुआ करते, तो अपने आप को क्या सोचे थे, हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करें, सुधार करें, इसलिए इनका नाम सुधार सुधार के नाम पे रखा गया। अब इसकी जैसे कि हम हमारा बात करने का तरीका क्या, हम 4-5 पॉइंट में पढ़ते हैं, जिससे हम किसी मेंस में भी अगर ये टॉपिक आ जाए तो हम बहुत आसानी से लिख सकें। तो इसमें इसकी भी हम प्रमुख पहली बात को क्या नोट करेंगे, पहली बात क्या है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ होना, ठीक है। मतलब केंद्र में दो सदन होने लगे, पहले एक सदनात्मक परिषद थी, विधान परिषद थी, अब दो हुआ करेगी, ठीक है। जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ, ये पहला पॉइंट आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दूसरा इसका पॉइंट क्या था, सिविल सेवकों के भर्ती के लिए आयोग की स्थापना हुई, सिविल सेवकों के लिए आयोग गठित, सिविल सेवक भर्ती के लिए, मतलब जो भी व्यक्ति सिविल सेवक भर्ती के लिए आयोग का गठन, एक ऐसा कमीशन या फिर एक ऐसा आयोग का गठन किया गया जो सिविल सेवक को मतलब पब्लिक सर्वेंट का गठन किया गया कि पब्लिक सर्वेंट इस आयोग के अंतर्गत आएंगे, भर्ती के लिए आयोग गठित। दो पॉइंट
तीन। तीसरा पॉइंट भी क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है, एक बार द्वैध शासन हमने पढ़ चुका था। द्वैध शासन कब पढ़ा था, जब रॉबर्ट क्लाइव आया था, उसने क्या किया था, एक था शासन, एक था क्या, राजस्व। तो शासन व्यवस्था नवाबों को दिया था और राजस्व वाला पूरा सिस्टम जो कौन लिया था, रॉबर्ट क्लाइव लिया था। अब ये फिर से द्वैध शासन, अब ये प्रांतों में लगेगा। उस समय कहाँ शुरू हुआ था, बंगाल में, अब कहाँ होगा, द्वैध शासन व्यवस्था का लागू होना, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। कभी कभी प्रश्न यहाँ से डायआरकी भी आ जाता है, ऐसे हिंदी में भी लिखा, हिंदी आ जाएगा, डायआरकी इंग्लिश में भी लिखा आ जाएगा, तो आपको द्वैध शासन व्यवस्था को ही समझना होगा। अब ये वाला द्वैध शासन लगाया गया, तो द्वैध शासन लगाया गया तो द्वैध शासन होता क्या था। ठीक है, ये जो लगा द्वैध शासन वो वाला, तो द्वैध शासन सबसे शुरू में लगा था, तो मतलब आप समझे थे, एक शासन और राजस्व के हिसाब से बांटा गया था। अब ये वाले जो द्वैध शासन लगा प्रांतों में, तो ये इनको, इनमें तीन, इनमें दो मेन विषय रखे गए। ठीक है, कौन कौन से, ये आप, हम द्वैध शासन को अलग से देख रहे हैं। तो द्वैध शासन ये 1919 वाला हम देखेंगे। ठीक है, इसमें दो विषय हुआ करते थे, एक विषय का नाम था आरक्षित, दूसरे विषय का नाम था हस्तांतरित विषय। द्वैध शासन को दो भागों में बांटा गया, जिसमें विषय मतलब क्षेत्र बांट दिए गए कि ये सेक्टर, ये भी एरिया, या फिर ये मैटर इस क्षेत्र में आएगा और ये वाला इस क्षेत्र में, तो दो आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांटा गया। ठीक है, इसको विषय। अब इसमें प्रश्न यहाँ से उठ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए आ गया राजस्व, राजस्व वाला मामला है तो कौन से विषय में है, आरक्षित या फिर हस्तांतरित। तो यहाँ से आपको इसमें कुछ विषय प्रमुख है, उनको आपको लिख लेना है। ठीक है, तो राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस, क्या क्या लिखेंगे, राजस्व, न्याय मतलब जुडिशरी, राजस्व, न्याय और कौन एक विषय, वित्त और पुलिस, मतलब वित्त और पुलिस, ये विषय किस में थे, आरक्षित वाले में, इनको आप ध्यान रखिए। आरक्षित मान लीजिए आ गया वित्त, जो 1919 की द्वैध शासन प्रणाली थी, तो उसमें कौन से उसमें रखा गया विषय में, तो आरक्षित विषय में रखा गया, पुलिस आरक्षित में, राजस्व आरक्षित में। अब एक दूसरा विषय था हस्तांतरित, तो हस्तांतरित में भी ज़्यादा इसमें देखिए, इसमें पूरी चीज़ें कवर हो गई, मतलब मेन मेन जो चीज़ें होती है एक सरकार में, एक या फिर शासन करने के लिए, तो ये इसमें देखिए पूरा कवर है। अब होता है हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय उसमें जो स्वशासन, शिक्षा, स्वशासन शिक्षा, और एक कौन और था, जो स्वास्थ्य, इन विषयों को जोड़ा गया हस्तांतरित विषय में। अब मतलब हस्तांतरित मतलब ट्रांसफरेबल, और आरक्षित मतलब रिजर्व। ठीक है, तो ये द्वैध शासन लगाया गया प्रांतों में, तो तीसरा इसका हम पॉइंट लिख लें, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक, अब एक्सप्लेन आप इसको साइड में कर सकते हैं। चौथा जो प्रमुख पॉइंट था भारत शासन अधिनियम 1919 का, ये था कि ये सचिव थे वायसराय, ठीक है, था कि इतनी बात, अब इसमें ये था कि कौन कैसे करता था। देखिए, इसमें गवर्नर सहायता लेता था, गवर्नर सहायता लेता था, कौन से विषयों में, आरक्षित विषयों में, समझाऊंगा अभी, इतना लिख लीजिए। उसके बाद इसमें क्या था, इन विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। ठीक है, तथा गवर्नर मंत्रियों की सहायता से, मतलब जो भी वो लेता था डिसीजन लेना होता था, वो सहायता लेना था मंत्रियों की सहायता, इसमें क्या, मंत्रियों की सहायता से,
मंत्रियों की सहायता से जो भी डिसीजन लेना होता था तो मंत्रियों की सहायता से गवर्नर वो लेता था, ठीक है। इसमें क्या होता था, फर्स्ट वाले में जो था गवर्नर सहायता लेता था, लेकिन किसकी सहायता लेता था, ये देखिए, ये एक गवर्नर हो गया जी, ये और एक क्या हुआ, ये हुआ विधान परिषद, ये गवर्नर हुआ, ये हुआ विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है, ये गवर्नर हो गया और ये विधान परिषद हो गया, ठीक है। विधान परिषद में क्या होता था कि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी रहता था। विधान परिषद क्या था कि विधान परिषद जो कार्यपालिका के मंत्री परिषद होते थे उनके प्रति उत्तरदायी रहता था, तो उनकी सहायता कौन लेता था, गवर्नर लिया करता था इन विषयों में डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अब चौथा और अहम पॉइंट ये है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। हमने पिछले एक्ट में पढ़ा था कि सन 1919 में माले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया था, मुस्लिमों को केवल मुस्लिम वोट देंगे, इसका प्रावधान ला दिया गया था। अब उसी को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे कि सांप्रदायिक विस्तार किया गया, मतलब कम्युन सांप्रदायिक, मतलब कि कम्युनल डिस्टेंसेस को बढ़ाया गया, सांप्रदायिक विस्तार चौथा पॉइंट इसका है कि अब इसमें अब और वो कर लेंगे, जैसे पिछली बार था कि केवल मुस्लिम लोग, मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाले लोगों को मुस्लिम लोग वोट देंगे, अब इस बार क्या होगा कि और जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी अलग कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अभी मैं भूल गया था कि द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है। तो द्वैध शासन का जनक यहाँ लिख लीजिए आप साइड में, जनक एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम है लियोनस कार्टिस। क्या? लियोनस कार्टिस, ये आप इसको द्वैध शासन के जनक के रूप में लिख सकते हैं। लियोनस कार्टिस नाम का जो व्यक्ति था वो द्वैध शासन का जनक था। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम अगले जो पांचवा पॉइंट डिस्कस करेंगे वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक आपने देखा कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिमों को अलग कर दिया गया, मतलब मुस्लिम जो प्रतिनिधित्व था उनको मुस्लिम वोट देंगे। अब इसमें क्या पांचवा जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया वो था कि ईसाई प्रतिनिधित्व, सिख प्रतिनिधित्व और आंग्ल भारतीय, मतलब क्रिश्चियन, सिख और एंग्लो इंडियन को भी अलग कर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ देखिए, पांचवा पॉइंट क्या था, सांप्रदायिक विस्तार किया गया, इसी पॉइंट में आप लिख सकते हैं। अब इसके इसमें क्या होगा देखिए, ईसाई, सिख और आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाई, सिख, आंग्ल भारती, इनको भी अलग कर दिया गया। मतलब ईसाई को कौन वोट देगा, ईसाई वोटर, इनको सिख वोटर, इनको इंग्लो इंडियन को कौन देगा, इंग्लो इंडियन ही, जो मतलब इंडियन, इंग्लो इंडियन वो व्यक्ति हुआ करते थे जो अंग्रेज के हो गए थे लेकिन उनके मान लीजिए इंग्लैंड का कोई व्यक्ति है, पुरुष है, और वो आके इंडिया में शादी कर लिया, उनके जो बच्चे होंगे वो इंग्लो इंडियन कहलाएंगे। तो ऐसे भी व्यक्ति, तो इस तरह सांप्रदायिक विस्तार में ईसाइयों को ईसाई, सिख। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कोई स्टेट पीसी और यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो उसमें अगर पूछा गया कि सिख प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचन की व्यवस्था कब अलग की गई, तो आपको 1909 का मार्ले मिंटो सुधार की बजाय आपको यहाँ पे भारत शासन अधिनियम को टिक करना होगा, यहाँ पे धोखा नहीं खाना है। और ऐसे ईसाई के लिए कब अलग किया गया निर्वाचन प्रतिनिधित्व, तो ईसाई वोटर भी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत अलग हुए, केवल 1909 में मुस्लिम वोटर्स ही अलग हुए थे। तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जो अगला इसका पॉइंट था कि पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ,
एक दो तीन चार पांचवा पांचवा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि महिलाओं को काले पे महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार महिलाओं को पहली बार वोट मतलब फर्स्ट टाइम जो वोमेन लोग थे उनको वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार अधिकार तो 1919 के भारत शासन सरकार अधिनियम के तहत ये प्रावधान आया। तो इसका मतलब धीरे धीरे जो हमारा मतलब भारत के लिए भारत के लोगों के लिए अंग्रेज़ों की जो भावना थी तो वो धीरे धीरे चेंज होने लगी कि ये लोग भोग मतलब इन लोगों को भी थोड़ा बहुत अधिकार देने चाहिए हमको। तो ये प्रश्न अधिकतर पहले आ जाता है वन डे एग्जाम्स में या फिर कहीं भी कि महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्रदान करने वाला वो एक्ट कौन था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर पहली बार महिलाओं को अधिकार वोट देने कब हुआ तो 1919 में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी हो गई पांच बातें और दो एक दो और बातें इसी में भारत सरकार अधिनियम के तहत अंतर्गत हैं। उनमें क्या है कि क्या हुआ था, बजट होता था जैसे, तो ठीक है तो वो पहले क्या हुआ था, तो केंद्र का बजट एक साथ पेश हुआ करता था, पूरे देश का बजट एक साथ पेश हुआ करता था। तो सन 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच बजट का बंटवारा कर दिया गया, मतलब कि केंद्र का एक अलग बजट होगा जो देश के लेवल में होगा और राज्य का अपना अपना अलग बजट होगा। तो पांचवा बाद छठा पॉइंट है, छठा जो हमारा पॉइंट है वो है कि केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये संवैधानिक विकास के छठा पॉइंट है, ठीक। अब हम छठे पॉइंट की बात करेंगे जो क्या था, महिलाओं को अधिकार दिया गया वोट देने के, उसके बाद क्या था, केंद्रीय बजट को अलग करना। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ से छठा पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। पांच पॉइंट तक क्लियर हो गया होगा, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब छठा बात इसकी ये है, छठा पॉइंट ये है कि केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, मतलब केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल बजट इनटू स्टेट बजट, ठीक है। ये केंद्र हो गया सेंट्रल, ये हो गया स्टेट, तो इनका अलग अलग बजट अब हो गया, मतलब भारत सरकार या फिर केंद्र सरकार जो अलग बजट पेश करेंगे और राज्य सरकार अलग पेश करेंगे। जैसे केंद्र का एक केंद्रीय मंत्री होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, जैसे इस समय प्रेजेंट में निर्मला सीतारमण जी हैं, और किसी भी अलग अलग स्टेट का अलग वो होता है राज्य मतलब राज्य वित्त मंत्री, तो अपना अलग बजट पेश करता है। इसी तो ये कब से शुरू हुआ था, सन 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। अब जो इसमें और एक प्रमुख बात हुई, सातवें नंबर का जो पॉइंट इसमें आएगा, तो महिलाओं को अधिकार दिया गया वोट देने का, केंद्रीय बजट को अलग किया गया, देन द्वैत शासन प्रांतों में लगाया गया था। अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा जो 10 वर्ष बाद बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें पहली बार बात ये आए वैधानिक आयोग बनाने की बात, वैधानिक आयोग की बात, वैधानिक आयोग की बात सामने आई 10 वर्ष बाद बनाई जाएगी। अब ये समझिए, इसका मतलब सन चल रहा है सन 1919, ठीक है, 1919 चल रहा है,
तो एक ऐसी वैधानिक आयोग, आयोग मीन्स कमीशन या ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स बनाया जाएगा। वैधानिक मतलब क्या होता है कि जो कानूनी प्रक्रिया से कुछ चीज़ें बनाई जाए, कोई नियम बनाया जाए, वो वैधानिक प्रक्रिया, और उन्हीं नियमों को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं जिसमें, तो उनको वैधानिक आयोग के अंतर्गत आते हैं। तो वैधानिक आयोग, एक वैधानिक आयोग ग्रुप्स ऑफ मेंबर बनाया जाएगी जो कि एक नियम या फिर कानून भारत में बनाएगी जो शासन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो क्या था, 1919 की बात चल रही है, अब 10 साल, मतलब 1900, अब ये कब बनना था, बनना था 1929 में, ठीक है, समझिए इस बात को, ठीक है, 1929 में बनना था। अब बात चलते 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 ये हुआ कि भारत में जैसे बीच में काकोरी कांड, ठीक है, हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ, और गांधी जी ने भी काफ़ी आंदोलन चलाया, और उसी बीच में काकोरी लूट हत्याकांड हुई ही, और बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, जिसके कारण कि अंग्रेज़ लोग थे, उनको क्या हुआ कि अब हम 10 साल वेट नहीं कर पाएंगे। तो 10 साल वेट नहीं कर पाएंगे, तो सन 1927, ठीक है, ये डेट आप ध्यान रखिएगा, क्या हुआ 1927 में क्या कर दिया, साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया, ठीक है, साइमन कमीशन आयोग, कमीशन को ही आयोग बोलते हैं, तो साइमन कमीशन ही आप हम बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये स्थिति क्या हुई कि जैसे इनको समझ में अंग्रेजों को आ गया कि भारत लोग 10 साल और वेट नहीं करेंगे, तो उसके हम पहले ही, 2 साल पहले ही 1929 में प्रस्तावित था ये, यहाँ प्रस्तावित, लेकिन सन 1927 में ही इसको साइमन कमीशन को, आयोग को बना दिया गया। कहाँ बना, तो इंग्लैंड में गठित हुआ, ठीक है। अब इसको आते आते भारत में पहली बार कब आया, तो सन 1928 में भारत आया, सन 1928 में भारत आया, ठीक, साइमन कमीशन। तो यहाँ से प्रश्न ये उठता है कि सर, मतलब साइमन कमीशन भारत कब आया, तो सन 1928, साइमन कमीशन बना कब, 1927, इसका प्रस्ताव कब हुआ था साइमन कमीशन का, तो 1929। तो यहाँ से आशा करते हैं तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कब बना और क्यों बना था, क्योंकि भारत में शासन व्यवस्था बनाने के लिए बनाए। अब थोड़ा सा हम साइमन कमीशन की बात कर देते हैं कि साइमन कमीशन आखिर क्या था। तो साइमन कमीशन आयोग जो कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रस्तावित हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, ये है, मान लीजिए साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, ठीक है, समझिए, साइमन कमीशन 19, पहली बात तो इसमें ये लिख लेंगे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ये प्रस्तावित हुआ, दूसरी बात 1927 में ये बना, तीसरी बात 1928 में भारत में आया, उसके बाद चौथी बात ये है कि चौथी बात ये, इसमें क्या होता था, इस आयोग में कोई सदस्य भारतीय नहीं था, नो इंडियन मेंबर, ओके, पहला पॉइंट, इन तीनों के बाद इसमें आप लिख सकते हैं नो इंडियन, कोई भी मेंबर भारतीय नहीं था, ठीक है। अब साइमन कमीशन, इसका भारत में जबरदस्त विरोध हुआ, क्या, जबरदस्त विरोध, मतलब बहुत हाई लेवल पे इसका अपोज हुआ भारत में कि ये भारत में ना आए, क्योंकि इसमें ऐसे चीज़ें ही थी, जब हम साइमन कमीशन पढ़ेंगे इतिहास में तो विस्तार से पढ़ेंगे क्या था इसमें, कौन लोग थे, आखिर क्यों विरोध किया गया भारत में, इससे जुड़ी अभी मैं इतना फैक्ट आप जान लीजिए। इसमें क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की लाठी से मृत्यु, ठीक है, लाला लाजपत राय लाठी से मृत्यु हुई, ठीक है, ये आपने देखा होगा, आप
ऐसे मतलब चीज़ों को देखने के लिए आप मूवी देख लीजिए, कोई वो भगत सिंह वाली मूवी है, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, तो उनमें ये सब दिखाया गया है, तो आप इन मूवीज़ को देख सकते हैं। तो सीधे साइमन कमीशन, इसमें क्वेश्चन यही आ सकता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कौन से कमीशन के विरोध में हुई, तो साइमन कमीशन, कोई इंडियन नहीं थे, और क्या हुआ, ज़बरदस्ती इसका विरोध भारत में किया गया। अब इसमें सदस्य कितने हुआ करते थे, तो 7 सदस्य हुआ करते थे। अभी के लिए फिलहाल साइमन कमीशन के बारे में इतना ठीक है, क्योंकि हम हमारा मेन उद्देश्य है कि हम भारत के संवैधानिक विकास के तहत भारत सरकार अधिनियम मतलब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 का हम पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि इतना बात क्लियर हो गई, अब इसमें बस ज़्यादा कुछ है नहीं, एक और इसमें फैक्ट इसी के अंतर्गत जान लीजिए भारत सरकार अधिनियम के। भारत सरकार अधिनियम तो ऐसे 6 बातें प्रमुख थी, यहाँ पे साइमन कमीशन के लिए वैधानिक आयोग बनी थी, इसलिए हमने साइमन कमीशन को थोड़ा सा समझा। और सन वहीं पे हम थोड़ी सी बात कर देते हैं 1932 की। 1932 में क्या हुआ था, सांप्रदायिक अवार्ड, ठीक है, मतलब क्या था, कम्युनल, कम्युनल, ये प्रश्न कभी आ जा सकता है। 1932 कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई, तो सन 1932 में। कौन किया था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय थे रैमजे मैकडोनाल्ड, जो अब मैकडोनाल्ड दारू भी आती है, नहीं शायद कुछ उसका दूसरा नाम है, मैक डोवेल ऐसा कुछ करे, रैमजे तो आप याद रख सकते हैं, मैक डोनाल्ड, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस समय ब्रिटिश पीएम हुआ करते थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड मतलब सांप्रदायिक पुरस्कार की शुरुआत की थी। ये फैक्ट आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, कम्युनल अवार्ड 1932। अभी हम आगे पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम, जो कि अपने संविधान में काफ़ी कारगर रोल अदा करता है। तो यहाँ पे एक फैक्ट, कम्युनल अवार्ड 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा शुरू किया, वो ब्रिटिश के पीएम थे, ठीक है। उस समय अब गांधी जी काफ़ी गुस्सा हो गए थे, ठीक है, कि भारत को क्यों आखिर बांटा जा रहा है, कि कम्युनिटी बेस में या फिर सांप्रदायिक बेस में क्यों बांटा जा रहा था। और उसी समय एक अपने भारत के महान व्यक्ति हुआ करते थे उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो इन सब चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व थे, कि हाँ ठीक है कम्युनिटी बेस्ड अवार्ड हमको मिलना चाहिए, मतलब जातियों के आधार पर आरक्षण या फिर जो भी उनको थोड़ा सा वैल्यू दी जाती तो उनको मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है। तो उसी उसमें थोड़ा सा गांधी जी और अंबेडकर की नहीं बनती थी, तो उनके बीच में एक पूना की एयरवदा जेल में वो हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट या समझौता, प्रश्न यहाँ से बहुत आता है। तो अभी ये इतिहास का विषय पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ की कहानी थोड़ा आप उस समय का माहौल जानने के लिए इतना मैं बता दे रहा हूँ। तो पूना की एरवदा जेल में कौन कौन, बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर एंड गांधी जी, गांधी जी मतलब यही मोहनचंद करमचंद गांधी, जो कि गांधी जी के नाम से हुआ, ठीक है, इनके बीच में पूना पैक्ट का समझौता हुआ, ठीक है। और इसमें गांधी जी ने ये कहा कि अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों को जाति के आधार पर ना बांटा जाए, और कम्युनल अवार्ड का भी काफ़ी विरोध किया। तो इस प्रकार से आज का हमारा विषय था भारत सरकार अधिनियम 1919। आशा करते हैं इसके 6 के 6 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, थोड़ा सा साइमन कमीशन भी हो गया, तो इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे 1945 का अधिनियम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के संवैधानिक विकास के। उसके बाद फिर 1947 का भारत मतलब स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ेंगे, फिर अपना भारत देश आज़ाद हो जाएगा, फिर कैसे संविधान सभा बनी, और 1950 में जाके कैसे भारत का संविधान का मतलब संविधान लागू किया गया, और उसके बाद चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे पॉलिटी की, ठीक है। तो संवैधानिक विकास का एक और लेक्चर बचा है, जिसमें 1935 को और 1947 को
एक साथ कवर करेंगे, और ज़्यादा अगर हुआ तो उनको अलग अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप इन पॉइंट को मेंस के पर्पज़ से, प्री के पर्पज़ से, या फिर वनडे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इनको आप नोट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा आप लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो आने तक आप इंतज़ार करें और इन चीज़ों को रिवाइज करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।